हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति का मुंह कड़वा या बिटर हो रहा हो तो कौन कौन सी चीज़ें उसे नहीं खानी चाहिए जो उसके टेस्ट को ख़राब करेगी, आज उन फूड प्रोडक्ट्स पर बात करेंगे। हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया है जिसमें कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स खाने चाहिए वो डिस्कस किया है। आज कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए जो टेस्ट को बिगाड़ेंगे उन पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। ऑब्वियसली कोई भी बिटर टेस्टिंग फूड प्रोडक्ट्स या कड़वी दिखने वाली टेस्ट होने वाली चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, जैसे कि करेला है, सेब पर्णी यानी डैंडेलियन ग्रीन्स है, या कोई कोई डार्क वेजिटेबल्स है जैसे मेथी वगैरह है, केल है, अरुगुला है, ये काफ़ी कड़वा टेस्ट इनका होता है, तो इनको आप लोगे तो मुँह का टेस्ट और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो जो भी चीज़ नेचुरली खुद ही कड़वी है उनको आपको अवॉइड करना चाहिए यदि आपका मुँह का टेस्ट खराब है या कड़वा हो रहा है तो। इसके अलावा अल्कोहल आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मुंह के टेस्ट बड्स को वो सुखाता है और टेस्ट परसेप्शन को चेंज करता है, जिसकी वजह से यदि आपको ऑलरेडी मुंह में कड़वाहट का एहसास हो रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लेनी चाहिए, यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेते हैं तो उसमें भी जो ओवर ब्रूड कॉफ़ी में जो तत्व होते हैं वो आपके टेस्ट को ख़राब करते हैं और आपको और ज़्यादा कड़वापन का एहसास होगा। इसके अलावा आप अगर बहुत ज़्यादा टोबैको या तंबाकू के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो ये आपके मुंह में एक अलग तरह का टेस्ट लेके आते हैं, ये आपके टेस्ट को मुंह के ख़राब करते हैं, टेस्ट बड्स को भी डैमेज करते हैं। तो तंबाकू के प्रोडक्ट्स या स्मोकिंग आपको नहीं करना चाहिए यदि आपको मुंह के टेस्ट का प्रॉब्लम है तो। कुछ मेडिसिंस भी ऐसी है जो मुँह के टेस्ट को ख़राब करती है, तो वो मेडिसिंस को भी आपको अवॉइड करना चाहिए यदि आपको इस तरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेडिसिंस भी आपके टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करती है और आपका मुँह का टेस्ट ख़राब होता है इनको लेने से, तो वो भी थोड़ा डिस्कस करके ले तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें या शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स जो हैं वो भी ऐसे लोगों में अच्छी नहीं है। अब लोगों को कई बार लगेगा कि यार मुँह कड़वा हो रहा है तो चीनी खा ले, लेकिन बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में आप शुगर वाली चीज़ें लेते हैं तो वो आपके टेस्ट को उल्टा बिगाड़ता है, मुँह में एक अनप्लेजेंट टेस्ट लेके आता है। इसी तरह से मुँह में अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे सैक्रिन लेते हैं तो वो भी एक मेटालिक और कड़वा टेस्ट मुँह में लेके आता है, वो भी उतना नेचुरली मीठा नहीं होता जैसा शुगर होता है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में शुगर में भी ख़राब है और आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे सैक्रीन खासकर है वो ज़्यादा ख़राब टेस्ट लाता है आपका मुंह में और आपका मुंह थोड़ा ख़राब हो जाता है उसको खाने के बाद। इसके अलावा कड़वे आलमंड्स अगर आप लेते हैं यानी बादाम अगर कड़वा हो गया तो वो नहीं लेना चाहिए, इससे आपको प्रॉब्लम होगी। अगर कोई हर्ब्स या स्पाइसेस आप ले रहे हैं जिनका ऑलरेडी कड़वा टेस्ट है, जैसे कि मेथी है, हल्दी है, ये सारी चीज़ों को आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, या सरसों के सीड्स अगर सूखे हुए हैं वो आप ले रहे मस्टर्ड सीड्स को, तो वो भी आपको ख़राब महसूस कराएगा और यदि आपका टेस्ट ख़राब है मुँह का तो उनको नहीं लेना चाहिए। कोई भी चीज़ जो ख़राब हो गई है यानी फंगस लग गया है, मोल्ड वगैरह हो गया, उसमें अगर नॉर्मल स्मेल आ रहा है तो वो सब चीज़ नहीं लेनी चाहिए। वो तो क्या टेस्ट अच्छा हो तो भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर कोई भी चीज़ जिसमें ऑलरेडी ख़राब का स्मेल आ रहा है या फंगस का स्मेल आ रहा है, ब्रेड वेड अगर ख़राब हो गई है, वैसी चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए, ये आपके टेस्ट को और बिगाड़ेगी और ओवरऑल आपके टेस्ट बड्स को डैमेज करेगी। इसके अलावा एक पंजेंट चीज़ आता है यानी ब्लू चीज़ होता है या रॉकीफोर्ट बोलते हैं, ये बहुत स्मेल करता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको उतना नहीं लेना चाहिए, ये आपके लिए नुकसानदायक है और आपको इससे भी थोड़ा टेस्ट ख़राब होगा। करेला के बारे में हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया, बिटर गोर्ड इसको बोलते हैं, ये भी टेस्ट के लिए अच्छा नहीं है, अगर आपका टेस्ट ऑलरेडी ख़राब है तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी कम पका हुआ या नहीं पका हुआ फ्रूट भी नहीं लेना चाहिए, ये सारे में भी थोड़ा टैनिन्स होते हैं, ये आपके टेस्ट को बिगाड़ते हैं, तो यदि आपका टेस्ट ऑलरेडी ख़राब है तो अनराइप फ्रूट्स या कच्चे फल आपको नहीं लेने चाहिए। सिलेंट्रो करके एक फ्रूट होता है, अगर आप इसको भी लेते हैं तो ये भी आपके मुँह के टेस्ट को ख़राब करता है, तो इसको भी आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। प्रोसेस किए हुए मीट है जैसे बेकन, सलामी, हैम मीट है, इनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, ये भी मुँह में थोड़ा कड़वा टेस्ट लाते हैं। सोयाबीन से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे सोया मिल्क और टोफू, ये भी एक बिटर टेस्ट देते हैं, आपके टेस्ट के लिए अच्छा नहीं है, तो अगर आपको टेस्ट का ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है तो इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ब्रसेल्स स्प्राउट्स का टेस्ट भी अच्छा नहीं है, इसको भी अगर आप अवॉइड करें तो अच्छा है, इसको ज़्यादा रोस्ट या कुक कर लें तो उसका फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है, इसमें आप दूसरे मसाले वगैरह डाल लें तो अच्छा है, पर डायरेक्ट अगर आप इसको खाते हैं तो उतना अच्छा नहीं है। इसी तरह आर्टीचोक्स यानी हाथी चाक का भी टेस्ट उतना अच्छा नहीं, खासकर इसके पत्तों को अगर आप खाते हैं तो इससे भी थोड़ा बिटर टेस्ट आता है, इसको भी अगर आप बॉईल कर लें या स्टीम कर लें उसके बाद अगर खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बिटर टेस्ट अगर है तो आपको ग्रीन टी या हरी चाय, जो कि नॉर्मली वैसे तो अच्छा माना जाता है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी भी आपके टेस्ट बड्स को और टेस्ट को ख़राब करता है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है यदि आपका मुँह ऑलरेडी ख़राब हो रहा है तो।
इसके अलावा हाई कोको वाले बिटर चॉकलेट्स जो होती हैं जिसमें कोको का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ये भी टेस्ट के लिए उतनी अच्छी नहीं है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में हाई कॉन्सेंट्रेशन कोको वाली चॉकलेट्स लेते हैं तो ये आपके टेस्ट के लिए उतना अच्छा नहीं है और आपको इनका टेस्ट उतना पसंद नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा ये ख़राब सा लगेगा। इसके अलावा बिटर मेलन टी भी आता है, एक अलग तरह का बिटर मेलन से डाला हुआ चाय होता है, इसको भी यदि आप प्रयोग करते हैं तो ये भी आपके लिए उतना अच्छा नहीं है और ये भी आपको थोड़ा सा ख़राब टेस्ट देगा यदि आपका मुंह ख़राब है तो। आज हमने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में या नेचुरल फूडस्टफ्स के बारे में बात करी जो आपको अवॉइड करना चाहिए यदि आपका मुंह का टेस्ट ख़राब है, बिटर है, कड़वा है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो टेस्ट और बिगड़ जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा देर तक ख़राब लगता रहेगा। उम्मीद करूँगा कि आपको आज के टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।